भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है, जहां भेड़िए ने आपको बता दें एक बार फिर एक बच्चे पर हमला किया है और भेड़िए ने 10 साल के बच्चे पर हमला किया है। भेड़िए ने रात में एक बार फिर से बच्चे पर हमला किया है, बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। तो बहराइच के महसी तहसील में लगातार भेड़िए का आतंक जारी है, भेड़िए की तरफ से लगातार जो है वो हमला किया जा रहा है और जिस तरीके से वन विभाग की टीम लगातार भेड़िए की तलाश में जुटी हुई है, 20 से अधिक शार्प शूटर्स को बहराइच के उन तमाम जगहों पर तैनात किया गया है जहां भेड़िए के संभावित लोकेशंस हो सकते हैं, लेकिन अभी भी वन विभाग के हाथ जो है वो खाली हैं। वहीं कल बीती रात भेड़िए ने 10 साल के एक मासूम पर फिर से हमला किया। तो बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश लगातार जारी है, भेड़िए की तलाश में 200 सिपाही और 18 शार्प शूटर्स की तैनाती की गई है। नाइट विजन कैमरा से भी भेड़िए की लगातार तलाशी जो है वो की जा रही है। थर्मल ड्रोन, नाइट विजन कैमरा, इसके अलावा तमाम अत्याधुनिक उपकरण जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भेड़िया पकड़ से बाहर है और अभी भी वो लगातार हमला जो है वो कर रहा है। इंडिया न्यूज की टीम जब महसी तहसील के कुमराइन पुरखवा पहुंची तो गांव में रहने वाले लोगों ने सरकार से सहायता की अपील की और कैमरे के सामने बताया कि रात होते ही गांव में भेड़िया दिखने लगता है। संवाददाता अनुराग कुमार सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पे, आप देख सकते हैं हम इस समय बहराइच के महसी तहसील के अंतर्गत उन गांव में है जहां पर आतंक का पर्याय बना भेड़िया है और इस देख आप साफ तौर से देखा जा सकता है नदी है और नदी के उस पार जो है लोगों के खेत है, गन्ने का खेत है, जंगल टाइप के झाड़ियां है। इस झाड़ियों के रास्ते जो भेड़िया है वो नदी के बीच से आता है और इन गाँव को में रहने वाले लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इस गाँव के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से भेड़िया आता है, कैसे शिकार बना रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ, राम स्वरूप नाम है सर। और यहाँ नदी के पार से भेड़िया आती है और जो है यहाँ 5 लोगों का खतरा कर चुकी है, हैं? वहाँ पर लोग शायद जा रहे हैं वहाँ जो है धान बचाने के लिए, तो गेहूँ भी दांत के हैं और वैसी जानवर भी दांत किए हैं, तो कहाँ कहाँ बचाए, कहाँ कहाँ ना बचाए उन्हें। अंधेरा होता है, अंधेरा होता है, बस भेड़िया चल देते हैं वहाँ से, यहाँ गांव पे दांत करते हैं जो है। आपको कैसे बचाओ, क्या प्रयास करें? ऐसा है कि यहाँ जगता लगता है, सब जगते रहते हैं और फिर हम वहाँ हाथ में रहते हैं, मैंने अपन धान बैठाए भी हैं तो फसल भी है वहाँ पे, गाँव भेज देखते हैं जो है जाए। क्या वन विभाग की टीम क्या कर रही है? ना विभाग आता है, कमरा भी उड़ाता है, जानो पाता नहीं है जो है। इनका कहना है कि वन विभाग की टीम यहाँ आती है, कैमरा उड़ाती है, लेकिन उनके हाथ में सफलता नहीं मिलती। और भी गांव के लोग हैं, से जानेंगे किस तरीके से समस्या है आपके क्षेत्र में भेड़िया का। भेड़िया का ज्यादातर मतलब वो है, और सर कहते हैं यहाँ पे भेड़िए मतलब बच्चों को ज्यादा उठाती है और हमला करती है बच्चे के ऊपर। बाकी हम लोग सारी रात जागते हैं, जाग कर कहते हैं अपना कहते हैं वो बचाव करते हैं बच्चों का और फिर अपने अड़ोस पड़ोस का। बाकी टीम आती है, मतलब टीम आते हैं तो गांव में कहते हैं वो ऐलान करके फिर दूसरे गांव को चल जाती है। और भी है ग्रामीण, इनसे जानेंगे किस तरीके से समस्या है, क्षेत्र में क्या परेशानी है, किस तरीके से भेड़िया आतंक का पर्याय बना हुआ। आप लोग हाथों में टार्च लिए कॉम्बिंग कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा परसराम नाम है। ये कौन सा गाँव है और कितनी समस्या यहाँ हो रही है? यह औराही गाँव है, औराही मौजा भी है। हम आप लोग रेप में रहते थे, वही भेड़िया दिखाती थी जरूर, लेकिन प्रोग्राम है ये कि हमने आप रात भर प्रोग्राम करते हैं, जागते हैं, अपना टॉर्च लगाते हैं, अपने खेत में देखते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के लोगों को काफी नुकसान पहुंचा चुका है और भेड़िया के आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं। वो मुख्यमंत्री और वन विभाग के लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भेड़िया को पकड़ा जाए जिससे इन लोगों का जीवन सुचारू रूप से चल सके। बहराइच से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। तो वहीं इंडिया न्यूज रिपोर्टर अनुराग सिंह ने महसी तहसील के औराही गांव का भी जायजा लिया और यहां भी ग्रामीण भेड़िए की दहशत से काफी डरे हुए नजर आए।
बहराइच में इस समय महसी तहसील के अंतर्गत गांव में आदमखोर भेड़िए का आतंक है, जिसको लोग लेकर लोग दहशत में हैं। हम गांव में हैं, हम लोगों से जानेंगे किस तरीके से समस्या है, उन लोगों की किस तरीके से परेशानी हो रही। क्या नाम है आपका? देवी शरण वर्मा। क्या देखते हो आप जिस तरीके से आपके यहाँ आदमखोर भेड़िया का आतंक है? सर डेली के डेली में परमानेंट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी दिन ना आए भेड़िया। सारी सारी रात हम लोग जागते रहते हैं यहाँ पे, जैसे जो ड्यूटी लगती है वो भी मतलब घूमते हैं, कहीं इधर से आता है, पूर्व से पश्चिम चला जाता है, पश्चिम से निकलता है, दक्षिण चल जाता है, डेली के डेली परमानेंट वही भेड़िए वाला हमला। तो क्या लगता है दहशत में आप लोग रहते हो? बिल्कुल सर। तो क्या अपील करोगे सरकार से? बिल्कुल करेंगे सर कि उसको पकड़ाएं, जैसे भेड़िया उसको पकड़ाएं, और जब जैसे करना है जब उनको पकड़ाने के जैसे कहते उसको जो हमले कहते मिले था कि मार देंगे, कहते ना उसमें मुकदमा चल जाएगा। जब हम लोग मारने की कोशिश करते कदम मुकदमा चल जाएगा। और भी लोग हैं, समस्या है, कैसे देखते हैं? क्या देखते हैं? देखते हैं भेड़िया क्षेत्र में हमारे हर डेली रोजाना हमला करता है, मार डालता है, और बहुत बुरी तरीके से हम लोग प्रभावित हैं। इसकी समस्या का निराकरण सरकार करे, हम लोग यही चाहते हैं। आपके आसपास में कितने लोग को हमला कर चुका है जो घायल हैं? कुछ हमारे क्षेत्र के लगभग 9-10 लोग पर हमला हो चुका जो मर चुके हैं, अगल बगल में 9-10 हो गए, और कम से कम 27-28 हमले हो चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का कहना है कि आदमखोर भेड़िए से 10 मौतें हैं और 34-35 लोग घायल हैं। सरकार से क्या बंद कर रहे हैं, कुछ प्रबंध कर रहे हैं? हाँ, सरकार ने जिस तरीके सूट का मारने का आदेश दिया, कैसे देखते हो आप, कितना सही आदेश है? नहीं, आदेश तो सही है, लेकिन जनता कैसे मारेगी उसको? जनता नहीं, वन विभाग की टीम। वन विभाग की टीम अगर कोशिश करे तो मार सकती है। फिलहाल वन विभाग की टीम बुजदिल, अगर सही मायने में कहा जाए तो वन विभाग की टीम बुजदिल, क्योंकि जब उनको बताया जाता है कि भैया यहाँ अटैक कर रहा है, सर जी यहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ड्रोन से देख लो, कैसे देख लो, इसको देख लो, इतना एरिया में है, वो बोलते नहीं, हम यहाँ तीन कवर करके बैठे हैं, फिर वहाँ कैसे आगे कुत्ता देखते हो, तब भी आप लोग बताते हो। इन लोगों का कहना है कि साफ तौर से मुख्यमंत्री से मांग है कि जल्द से जल्द इनके इलाके से भेड़ियों को पकड़ा जाए, जिससे ये इन लोगों की जान बच सके। बहराइच से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़।